हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको लू लगने की मेडिसिन बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गर्मी आ गई है तो लू लगने की चांस ज़्यादा होता है। आज मैं सन स्ट्रोक यानी लू लगने के इसके कारण बताऊंगी और इससे कैसे बचना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी और होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 36.1 से लेकर 37.2% सेल्सियम होना चाहिए। सबसे पहले मैं लू लगने का कारण बताऊंगी, उसके बाद लक्षण बताऊंगी और अंत में होम्योपैथिक दवा बताऊंगी। अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और आपको गर्म हवा लग रही है, जो हम लू लगना बोलते हैं। मोस्टली गर्म हवा होती है और गर्म हवा जब आपको लगता है तो उसका और गर्म हवा तो टेम्परेचर और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब गर्म हवा हमें लगता है तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना। डिहाइड्रेशन में हमें पानी की कमी होती है। चलिए अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले आपको कमज़ोरी आएगी, वीकनेस होगी और प्यास लगेगा। कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा ही होगी। ऐसे में ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। लू लगने का मात्र एक ही मेडिसिन है जिससे आपको लू नहीं लगेगी, तो दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है ग्लोनाइन 30। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इसे दिन में 2 बूंद 3 बार करके लेना है और ये मेडिसिन आप अपने घर में भी रखें तो अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे का वीडियो भी मैं बनाऊंगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको मेडिसिन कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।